शुरू करूंगी अपना सेशन खालदा गौस साहिबा से कि फेमिनिज्म एंड डेमोक्रेसी दो मुश्किल मजामीन हैं जिनको हमारे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स ने आज हमें ये एक जिम्मेदारी दी है कि इस पे हम बात करें। तो यकीनन ख्वातीन का जो माशरे में एक हिस्सा है, एक मौजूदगी है और एक सर्वाइवल है उसमें, और फिर डेमोक्रेसी भी हमारे एक चैलेंजिंग बात है कि कभी हम डेमोक्रेसी में होते हैं, कभी हम डिक्टेटरशिप में होते हैं, जिस तरह आजकल हम दोनों ही के कन्फ्यूजन में हैं। तो आपने एक तवील अरसा तालीम और तहकीक के साथ भी गुजारा है, यकीनन सियासत पे भी आपकी एक नज़र है, पॉलिसीज़ पे भी है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो आज फेमिनिज्म का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या औरतों के हकूक़ की बात करते हैं तो कहाँ तक हम कामयाब हुए हैं? ये मौजू ऐसा है कि जिस पे हम जितना ख्वाहिश रखते हैं बात करने के लिए उतना ही हम थोड़े से हिचकिचाते भी हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर इन अल्फाजों के ऊपर हम अपनी ख्वाहिशात का ज़्यादा इजहार कर देते हैं बजाय इसके कि ज़रा सा अकल और फहम के साथ इनके ऊपर गुफ्तगू की जाए। आपने सही कहा कि फेमिनिज्म जो है उसकी समझ बूझ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम एग्जिस्ट करती है, और ख़ाली पाकिस्तान में ही नहीं, ये सारी मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम माशरों के अंदर इससे समझ इसलिए कम एग्जिस्ट करती है क्योंकि समझा ये जाता है कि इसका कुछ तजाद है इस्लाम के हवाले से। हालांकि इस्लाम जो है वो सबसे ज़्यादा औरतों के हकूक़ के हवाले से एम्फसाइज भी करता है और ये भी कहता है कि औरत हर हवाले से अपना एक किरदार माशरे के सतह के ऊपर एक उसे प्ले करना चाहिए है, वो किसी तरह से भी रोकता नहीं है। मगर कहीं ना कहीं हमने अपने माशरों की साख्त इस तरह से बना ली है कि वो औरतों को धड़ों के अंदर बांध देता है। तो क्योंकि लफ्ज़ फेमिनिज्म की समझ कम है और फेमिनिज्म की कंस्ट्रक्ट हमने इस तरह से कर दी है कि हम ये समझते हैं कि उसका कहीं ना कहीं तजाद इस्लाम के हवाले से हो गया है। और आप ये देखिए कि इसके ऊपर काम भी हुआ है जो पाकिस्तान में, वो दो हवालों से ज़्यादा हुआ है। एक हवाला वो है आम तौर पे जो ख़वातीन ने लिया है तहकीकी तौर पे कि जो फेमिनिज्म को इंटरप्रेट करना चाहती हैं थ्रू द लेंस ऑफ बाय डिफाइनिंग इस्लाम, कि वो इस्लामी जो हवाला है जो इस्लाम कहता है उस ज़रिए से वो औरतों के हकूक़ को किस नौयत से आगे लेके आ सकती हैं। दूसरा जो है वो सेक्युलर फेमिनिस्ट जिनको हम कहते हैं आम तौर पे, वो सी लाइन को टो करती हैं जो आम तौर पे विमेंस राइट्स को ये समझती हैं कि वो एक्सटेंशन है ह्यूमन राइट्स का। तो आप ये देखिए कि ज़्यादातर तहकीक जो हुई है उन्होंने आम तौर पे ये दो ज़्यादातर लाइंस जो हैं वो टो की हैं। इसमें खौफ की कोई बात नहीं है क्योंकि आप दोनों जाविये अगर आप देख लें और आप बिल्कुल मिडल में खड़े होकर भी अगर आप एक बिल्कुल बैलेंस्ड व्यू भी देखना चाहते हैं, बिल्कुल कोई एक्सट्रीम साइड को नहीं लेना चाहते, तो इसमें तजाद कहीं भी नहीं है। चाहे आप प्री इंडिपेंडेंस का व्यू ले लें या पोस्ट इंडिपेंडेंस का व्यू ले लें, आप जो भी देखना चाहते हैं, आप जिस लेंस से भी देखना चाहते हैं, आप ये देख लीजिए कि इसमें कहीं पर भी तजाद अपने आप में नहीं है। तो फेमिनिज्म को अगर कोई ये समझता है कि ये ऐसा सोशल कंस्ट्रक्ट है कि जो हमें मगरब ने दिया है, क्योंकि मगरब से इम्पोर्टेड अगर आप इसे समझते हैं कि वहाँ से दिया गया है, तो वो खौफ को जेनरेट करता है। और अगर आप ये समझना छोड़ देंगे और आप ये समझेंगे कि ये माशरती सतह के ऊपर सोशली पोलिटिकली फाइनेंशली लीगली और इकोनॉमिकली हर लिहाज से ये आपके अपने माशरे की ज़रूरत है, तो कहीं पे भी ये तजाद नहीं आपको दिखेगा और ये आपको दिखेगा कि ये आपकी अपनी ज़रूरत है मज़हब के लेंस से भी और हर लेंस से जो कि मैंने अभी बयान किया है। गाल क्या क्या वदाइंदासी ससी ताहां खां मां पुछंद छा किरदार अदा करे सकजे तो अञा ताई केड़ी वेड़ असा विड़ी चुका आयूं केड़ा असा अचीवमेंट्स करे चुका आयूं
जिते असा चाहूँ तो ये स्टीरियोटाइप्स असा हाँ सिंध में या कम से कम या असाजे मुआशरे में या पढ़े लिखल तबके में कवर करे वे आयु या अगे असा के कड़ा चैलेंजेस आइन जिनके असा के मोड़णो आ फेमिनिज्म या वुमेन राइट्स ते जरे गले सबनी का पेरी ताऊं सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जे ऑर्गेनाइजर्स आई सबनी उन जी टीम जका है उन जों थोराइती आया उनके आऊं दिल जी गहराई से मुबारकबाद दियां थी पंहिंजे पार्टी जी तरफ़ां पंहिंजे ज़िले जे पंहिंजे तक जे ऐं सेनेट मां रिप्रेजेंटेशन रज़ा रबानी साहिबु पाण बि हुते आया एतसाद साहिबु अॼु अचनि हा पर सुभाणे असांजो इलाही अहम इजलास आहे मूंखे बि शाम जो ॾांहुं वञिणो आहे पर मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त हॉल सभई भरियल आहिनि ऐं लाइव कवरेज वञे पई ऐं कराची जेका सिंध जी दिलि आहे उते सिंध खे जोड़ण लाइ चाहे आर्ट हुजे कल्चर हुजे सिविलाइज़ेशन ड्रामा अदब ऐं पोइ वरी उन सां गॾोगॾु शायरी जूं वहकूं ह्यूमन राइट्स जा मसला डेमोक्रेसी ऐं वरी टॉपिक्स कहिड़ा कल्ब ख़वातीन जे हवाले सां मुंहिंजे ख़्याल में हिकु ॿ वहकूं थियूं ऐं पर छो त वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स ऐं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू उन जे मुख़्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में असांखे बिल्कुलु डिबेट करणु खपे ऐं सुठी ॻाल्हि आहे त उन शइ खे वरी फेमिनिज़म ऐं डेमोक्रेसी आई वॉन्ट से दैट इट्स अ वियर्ड कॉम्बिनेशन वेस्ट में त फेमिनिज़म खे मुख़्तलिफ़ शयुनि सां जोड़े करे डिबेट थिए थी पर डॉक्टर साहिबा जीअं ॻाल्हि कई पाण वटि फेमिनिज़म जी इंटरप्रिटेशन ईअं आहे जीअं जेके कटर सभु मुला न कटर मुला पंहिंजे कम जी आयत मां हिकिड़ी लाइन कढी उन जी कूड़ी इंटरप्रिटेशन करे जेका हुननि खे कमु अचे ऐं ॿी ॿ लाइनूं खाई छॾींदा आहिनि त फेमिनिज़म जेको आहे उनखे हालांकि आउं सम्झां थी त फेमिनिज़म ऐं डेमोक्रेसी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आहिनि ऐं इलाही हवालनि सां उन जो उहो जोड़ रहे थो पाण वटि जीअं डॉक्टर साहिबा चयो त अलाह माण्हू चवंदा आहिनि शायदि इहो इस्लाम जे दायरे खां ॿाहिरि पियो अचे छा शायदि इहो औरत खे मादर पिदर आज़ादी ॾियण जी ॻाल्हि पई अचे छा औरतूं शायदि अलॻि दुनिया क़ाइमु करण जी ॻाल्हि पियूं कनि तंहिं करे इन ते डिबेट थियण जी ज़रूरत ज़रूरु आहे पर डिबेट थोरी घटि थी आहे हेल्दी डिबेट थियणु खपे हाणे डेमोक्रेसी खे आउं टच ज़रूरु कंदसि छाजे करे जो पाकिस्तान जे कॉन्टेक्स्ट में असीं ॻाल्हाईंदासीं ऐं हिते सभई माण्हू सुञाण वेठा आहिनि स्टूडेंट्स वेठा आहिनि ऐं सभु ॿुधणु चाहिनि था पर उन खां अॻु में असीं फेमिनिज़म में थोरो आउं जेकॾहिं सेफो खां ऐं पोइ अॻियां हलंदी वरी सदियूं छॾे ऐं वर्जीनिया वुल्फ ताईं अचां फेमिनिज़म जो वरी उन्हनि जो कॉन्टेक्स्ट जेकॾहिं पाण कयूं त उहो दैट वुड बी एंटायरली डिफरेंट डिबेट सो ऑब्वियसली वी नीड टू फोकस ऑन अवर ओन स्टैंडर्ड्स ऐं असांजी जेको आहे दायराकार जे उन में छा आहे तंहिं हूंदे पाण खे वेस्ट में का सदियूं या हज़ार साल पहिरीं के ह्यूमन राइट्स जा कोन थिया इवन मैग्ना कार्टा जेको आहे ॾिसंदासीं त उहो केतिरो अर्सो थियो आहे या जेम्स मेडिसन खे अॼु बि यादि कयूं था जेको आइन जो जेको आहे उहो आर्किटेक्ट हो उनखां पोइ मुख़्तलिफ़ दुनियाउनि में आइन ठहिया पर पाण ख़वातीन जे हवाले सां ॾिसूं त जेका वुमेन सफ्रेज मूवमेंट उहा 20s में उहा हली उनखे फेमिनिज़म जे हवाले सां असां हिकिड़ो पीड़ वारी शइ चई सघूं था उनखां पोइ वरी सिविल राइट्स सां असीं ईंदासीं त पाण खे वरी इवन अमेरिका जहिड़े मुल्क में जेको आहे जिते मार्टिन लूथर किंग ब्लैक राइट्स जे हवाले सां ह्यूमन राइट्स जे हवाले सां ॻाल्हि कई पई अमेरिका जहिड़े मुल्क में माने पाण पंहिंजी सब कॉन्टिनेंट जी बि ॻाल्हि कयो तॾहिं बि रोज़ा पार्क्स जहिड़ी ख़ातून खे उथी बि बस में चवणो पियो त बाबा असां वटि इक्वल राइट्स न आहिनि औरत मर्द परे जी ॻाल्हि आहे पर इंसान जी हैसियत में बि माना उते एतिरो पोइ वोट कास्ट करण जे हवाले सां जेका सफ्रेज मूवमेंट हुई उन में ई असां फेमिनिज़म खे उतां असां मूं जीअं चयो त एक्सक्लूसिव म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आहे त उन हवाले सां ई पाण ॻाल्हि कंदासीं त पोइ तव्हां ॾिसो त उहो अची बाद में इवन अमेरिका जहिड़े मुल्क में बाद में उन्हनि खे उहो राइट मिले थो पर हिकिड़ो ग्रेजुअल सफ़र आहे हाणे अचूं पाण पंहिंजे सिंध में या पाकिस्तान में ख़ासि करे आई मस्ट एप्रिशिएट अवर ओन वुमेन हू बिलोंग टू सिंध पाइनियर रही आहे इलाही हवालनि सां मज़हबत जी तहरीकुनि में डेमोक्रेसी जे हवाले सां जंग में डिक्टेटरशिप जे ख़िलाफ़ु जेका वेड़ आहे उन में जेकॾहिं असीं पंहिंजी ख़वातीन खे न साराहींदासीं हींअर त इलाही शयूं आसान आहिनि हींअर त मीडिया जो बि दौरु आहे केरु ॿ अख़र लिखे बि थो सोशल मीडिया ते छॾे थो वाह वाह साईं फस्ट क्लास थियो प्रिंट मीडिया बि हाणे घटिजंदी पई अचे नेट वधीक स्पेस खणे थी
औरतूं बि उन में इलाही एक्टिव थियूं आहिनि, पर तॾहिं उहो ज़मानो यादि करियो, कोड़नि फटकनि वारो, जॾहिं तव्हां सिंध जो नालो खणी कोन सघंदा हुआ, तॾहिं औरतूं खे उथनि, चाहे अख़्तर बलोच जहिड़ियूं उहे हुजनि नौजवान औरतूं, 18 सालनि में मुंहिंजी वालिदा हुई, उथी बि उन्हनि लीड कयो नौजवान ॿियनि खे, भुखर दाल ते वेठी वोटर लिस्ट सिंधी में हुअणु खपनि, ऐं डिक्टेटरशिप जे हवाले सां ॿिया जेके ह्यूमन राइट्स सां मसला हुआ, ऐं पोइ स्टूडेंट्स सभु निकिता, ऐं पोइ जेल में वियूं, पोइ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे असीं 80s खां वठी उनजी रोल ॾिसूं था, उहा बि जेल में वई, त डेमोक्रेसी जे हवाले सां जेकॾहिं फेमिनिज़म ऐं डेमोक्रेसी खे असीं को रस्तो गॾियल ॻोल्हियूं, त उन में विमेन स्ट्रगल उन में हिन हवाले सां इट हैज़ बीन प्लेइंग वाइटल रोल, आई वुड से रिज़ल्ट ओरिएंटेड रोल रहियो आहे, ऐं सिंध जी औरत दादू जेको वियतनाम सॾियूं था, चाहे ठटो मुंहिंजो ज़िलो हुजे, जंहिंमें 12 मई ते इन्हनि औरतुनि जूं ॿाहूं टंगूं भञी हिननि जेके दहशतगर्दनि जेको आहे गोलियूं हलायूं हूंदियूं, चाहे लाड़काणो हुजे, चाहे इवन कराची हुजे, पोइ उन में सिंधी उर्दू बलोच पंजाबी सभु अची थो वञे, पर उहा जेका पार्टिसिपेशन रही आहे, मन हिकिड़े पासे मुला कटर मुला मुला लफ़्ज़ खे आउं ख़राबु नथी सम्झां, या जीअं जहाद खे सफ़ा हिकिड़े ॿिए कॉन्टेक्स्ट में हुआ, त उन में फेमिनिज़म ऐं डेमोक्रेसी खे असां जेके गॾियल तरीक़े सां ॾिसंदासीं, त मुंहिंजे ख़्याल में ख़वातीन जी डेमोक्रेसी सां लाइ तमामु वॾियूं क़ुर्बानियूं आहिनि, जेल हुजे, रेल हुजे, रस्तो हुजे, सियासत ईअं थोरी आहे त सियासत रुगो पार्लियामेंट में करे सघिजे, अॼु जेकॾहिं आउं सुभाणे पार्लियामेंट में न हूंदसि त आउं सियासत बंदि करे छॾींदसि, न थी सघे थो उहा मुंहिंजी सियासत इन खां वधीक हुजे, थी सघे थो किन शयुनि में तव्हांजा पार्लियामेंट में हथ ॿधल हुजनि, तव्हां जॾहिं पार्लियामेंट खां ॿाहिरि हूंदो, थी सघे थो तव्हां इलाही शयुनि खे जेको आहे तव्हांजो रस्तो वसी हुजे, तव्हां उन में अञा वधीक जेको आहे उहो करे, त औरत सिंध जी ख़ासि तर ऐं पाकिस्तान जी उन में इलाही उनजो जेको आहे उहो रोल वधीक आहे, ऐं हिकिड़ी शइ आउं ज़रूरु चवंदसि त अफ़सोस जी ॻाल्हि ज़रूरु थिए थी, जॾहिं इलेक्शन पार्लियामेंट जी ॻाल्हि कयूं था, डेमोक्रेसी जी ॻाल्हि कयूं था, त अफ़सोस थियो जॾहिं आउं बि इलेक्शन में विड़े सां पंहिंजो मिसाल ॾींदसि, त 25 पोलिंग स्टेशन ते औरतुनि वोट कास्ट बि कयो पर उहो ॻणियो कोन वियो, माना फाटा जो मालाकंड ऐं वज़ीर KPK में औरतुनि जो वोट जेको आहे उहो कयो वियो, इलेक्शन कमीशन सिंध जेका पायनियर आहे, जंहिं रोल प्ले कयो आहे डेमोक्रेसी में, उन्हनि जी औरतुनि जूं वोट उहो ॻणप में इलेक्शन कमीशन न आणे, अहिड़ियूं शयूं डेमोक्रेसी जॾहिं ॻाल्हि कयूं था, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पाण पोइ पार्लियामेंट जी बि ॻाल्हि कयूं था, त बहरहाल हीअ शयूं इहे इंटरकनेक्टिड आहिनि, ऐं इन हवाले सां आऊं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे ऐं बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा खे, अख़्तर बलोच खे, ज़रीना बलोच खे, इन्हनि खे आऊं कयां, ऐं फातिमा जिना खे, ऐं ॿियूं जेके अनेक ख़वातीन पाकिस्तान ठहिण खां पोइ ऐं पर ख़ासि तौर ते छो त पाण SLF माना सिंध में वेठा आहियूं असां, त उहे ख़वातीन जेन्युइनली, ऐं पोइ पंजाब में आसमा जहांगीर जहिड़ियूं ख़वातीन हुजनि, बुशरा एहसास जहिड़ियूं हुजनि, पोइ वरी बनी निगत वारी जहिड़ियूं उहे ख़वातीन हुजनि, या ॿियूं हुजनि, पंहिंजी कलम वसीले, पंहिंजी ॻाल्हि वसीले उहा ॻाल्हि कई, ऐं उन्हनि खे सलाम पेश कयां थी, ऐं उन हवाले सां अॼु उन्हनि खे ज़रूरु ख़िराज पेश करणु खपे। तव्हां छा था सम्झो त किथे पोज़ीशन बहितर थी आहे, या हिकिड़ी सेम सिचुएशन आहे, आम औरत जा जेके मसला आहिनि उहे ई असांजी सियासतदान औरत जा मसला आहिनि? सभु खां पहिरीं त मां बि जेको आहे सो शुक्रगुज़ार आहियां फेस्टिवल जे मुंतज़मीन ऐं उनजी टीम्स जी, ख़ासि तौर ते एदी नाजिया जी, जंहिं मूंखे इनवाइट कयो। सच त असांजी अहिड़ा प्रोग्राम ॾिसी दिलि वॾी थी वेंदी आहे ऐं ख़ुशी बि थींदी आहे त कराची जहिड़े शहर में असांजा सिंधी एॾा मेला मचाइनि, ऐं उन में हर मकतबे फ़िक्र जा माण्हू अचनि था, ऐं हर क़िस्म जी सोच जो जेको आहे सो तबादिलो थिए थो, त हीउ ॾाढो ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे, ऐं उन्हनि खे मुबारक बि ॾियां थी। त तव्हां जेका ॻाल्हि कई मैडम ॻाल्हायो ससी तमामु जामा तमामु बहितर तरीक़े सां उनखे जेको आहे सो तशरीह कई। टियों ॾींहुं असां हिकिड़े प्रोग्राम में वेठासीं, सेमिनार हो, उते जॾहिं फेमिनिज़म जी ॻाल्हि हुई त हिकिड़ो कंहिं जमात जो जेको आहे सो कारकुन हो, उन चयो त तव्हां जेके लिबरल मायूं आहियो उहे त अजीब ग़रीब क़िस्म जूं जेको आहे सो इहा सोच खणी अचो थियूं ऐं अहिड़े क़िस्म जी, त असां मां हुनखे चयो त भला तव्हां हिन जी तशरीह त कयो त अजीब ग़रीब कीअं आहे, त अहिड़ी सोच जेका आहे सो रुकावटूं आहिनि, यकीन हिन में को कोन्हे शक, पर इहो बि इन में बि को शक कोन्हे त सिंध जी औरत हमेशह मज़ामत कई आहे, हमेशह जेको आहे सो न रुगो जमूरियत ला पर हक़नि जे लाइ असां भिटाई खे ॾिसंदासीं, त मारवी जेका मज़ामत कई पंहिंजी हुबल वतनी जेका हुन ज़ाहिर कई, जेका वतन जे लाइ जेका हुन वटि सिक हुई, ईअं असां बागल भाई जे हवाले सां ईंदासीं, असां वटि सिंधी जी औरतूं बख्तावर आहे, जी ज़रीना आहे,
مختلف دورن میں جو سو ہمیشہ عورت ہمیشہ آگے آئی ہے. تو عام عورت ہی گال کئی تو جکا ووٹ دے تھی ان کے اساں کے کنوینس کرنو پندو آ. پر آؤں چاہ تھی وہ بھی ڈاڑی باشعور ہے, بھلی مجبور ہوجائے بھلی کمزور ہوجائے ان وٹ وسیلہ نہ ہوجن, پر وہ بھی ڈاڑی باشعور ہے. ان کے بھی خبر پہ جن محترما بےنظیر بھٹو اگوانی کندی تو وہ محترما کے چون کے باوجود بھی محترما کے ووٹ ڈیندی ہوئیں عورتوں کڑی عام عورت. پر اساں کے ہن ایترن ایڈی سجی جدوجہد ایڈی سجی پیڑا میں گزرن کے باوجود محترما بےنظیر بھٹو کی شہادت کا پو جنہیں اساں وری مڑی ڈسوں تھا تو اجا اساں اتے ہی بیٹھا ہوں. اسمبلی کے اندر ایکڑی وہ سوچ اچے تھی جکا سجے ملک کے حوالے سے انجا فیصلہ کرے تھی قانون سازی کرے تھی. پر اتے بھی جدہ اساں عورتوں سے بٹو رویو تھے تو تھی اساں کے ڈاڑی تکلیف بھی ڈاڈو دکھ بھی ہے. پر سچی گال آؤں مایوس نہ آیا چھو تو آؤں ایکڑی جمہوری سوچ رکھدڑ ایکڑی ورکر آیا آؤں جمہوریت لائے جدوجہد کئی آ. ماں چاہاں تھی تو اساں جی عورت میں ڈاڑی ہمت ہوندی آ, ان کے ٹروڑیو بھی ویندو آ, ایون ان کی تذلیل بھی کئی ویندی آ, ان کی تذلیل بھی کئی ویندی آ. پر وہ ایڈی با ہمت آ جو ان سبنی مشکلاتن سبنی تذلیلن کے باوجود بھی اگتے ودی ایندی آ. جے جمہوریت کے لا ان ہاریاں ان عورتن قربانیوں ڈینیوں وہ جدوجہد کیوں روڈن سے آئیں جیل کاٹیا کوڑا کھا. پر اج بھی ان عورت کے حق لا جسوں تو اج نہ وہ عورت سندھ یونیورسٹی میں محفوظ آ, نہ رستن میں محفوظ آ, نہ پنجے گھرن میں محفوظ آ. جی تانیا خاصکیلی کی گال کرا تھی تو ان کے گھر میں اچھی مارے ویو تو وہ ان کی مرضی سے ایک وڈیرے سے شادی نہ پہ کرنا چاہے. پر حال ان سبھی کے حالتوں کے باوجود ماں پرومید آیاں اڑی جمہوری دور جے تھن تھا جن جدوجہد کئی سی جے جمہوریت جا علم بردار ہوا جے جمہوریت جا ہیر ہوا ذوالفقار علی بھٹو جن کے پھانسی دینی وئی جے محترمہ بےنظیر بھٹو کے گولی ہئی وئی شہید کیا ہو جمہوریت نواز شریف صاحب کے ملک بدر کیا ہیر گھر موکلو ہو. اڑن حالتوں کے باوجود ماں چاہ تھی تو جمہوریت ہوجن کھپے. جمہوریت ہی بہترین جو ہے سو نظام ہے, جمہوریت ہی جو ہے سو بہتری آنے سکے تھی. ڈکٹیٹرشپ تو ہمیشہ ہی ملک کے نقصان دنوا دنیا میں اصا وی دنیا میں جمہوریت جو ہی نظام جو بہتری آدھی ان ہی جو ہے سو خوشحالی بھی آدھی امن بھی آدھا تو سجان دینی. پر ہتے حالتوں جڑیوں بھی ہوجن ایکڑی شے اساں کے ضرور کرن کھپے چھو تو کھوڑ ماں مانو ڈٹھان یا سوشل میڈیا تے یا کچہرین میں جے کے تمام گھنو انٹلیکچوئل بھائن پڑھے لکھیل بھائن یا تو حالتوں کا مایوس تھی کرے یا تو کچھ ذاتی مفادن دے کرے وہ چاہیندان تو بھلی غیر جمہوری نظام بھی اچھی ونے. چھو تو اساں چاہتا بھلا جمہوریت چھا دنو نہ بہتر تعلیم دے سکی آ نہ بہتر ہیلتھ دے سکی آ نہ روڈ رستہ دے سکی آ نہ کہ ہاری جو حقن جو خیال رکھے ہو نہ عورتن کے حقن جو خیال رکھے ہو. حالتوں تو وہی اتے ہی بیٹھوں ہیں. پر آؤں چاہتی ہاں حالتوں کہڑی بھی ہوجن پر بہتری ان میں یاد اساں جمہوریت لا جدوجہد کروں. اساں جے سجان مانوں کے عام مانوں تائیں عام مانو تائیں یہ شے یہ گال رکھن کھپے چھو تو عام مانو کے بدھائن کھپے تو تہاں جو ووٹ تہاں جو ووٹ اصل کترو طاقتور ہے. تہاں یہ تسلسل جدے ہلو یہ تسلسل جدے ہلو تہاں صحیح مانو جی چونڈ کئی تا بہتری خود بخود اچھی ویندی. میڈم آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے وہ کتنا سپورٹ کرتا ہے فیمنزم کو, اور ہمارے جو جمہوری ادوار رہے ہیں اس میں آپ کے خیال میں کیا عورتوں کی مصیبتیں کچھ کم ہوئی تھیں؟ دیکھیں
ایک تو یہ ہے کہ ایسے جب موضوع ہوتے ہوتے ہیں, ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, بہت سنجیدہ اور فیمنزم اینڈ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, اور ایسے جب موقع ہوتے ہیں لٹریری فیسٹیول, تو یہ یقین مانی یہ موقع ہوتے ہیں کہ انہیں بہت سیریسلی ڈیلیبریٹ کریں. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے بیشتر مرد حضرات یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں, تو پیچھے میرا دل میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ان کی سیریسنس دکھتی ہے کہ یہ موضوع کے اندر کتنی دلچسپی ہے انہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جمہوریت جو ہوتی ہے اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتی ہے. ہم نے اصطلاحات سنی ہوں گی یقیناً اپنے طور سے کہ ڈیموکریٹائزنگ ڈیموکریسی, میرے ساتھ پارلیمنٹیرینز بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے انکلوزیوٹی کی بات کی تھی. جب ہم بات کرتے ہیں فیمنزم کے حوالے سے کہ ڈیموکریٹائزنگ ڈیموکریسی, ہم نے پچھلے دنوں گلالائی صاحبہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, ہم نے فواد صاحب کی ایک کامنٹ سنی تھی ریگارڈنگ ریزرو سیٹس آف دا فیمیلز. اب میں یہ بات کر رہی ہوں کس چیز کی, میں یہ بات اس چیز کی کر رہی ہوں کہ جو ہماری پریزنس ہے فیمیلز کی ان ڈیموکریسی, ان پبلک انسٹیٹیوشنز, انکلوزیوٹی کی, اس کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ اس کو کس حد تک کس نظر سے دیکھا جاتا ہے ان کی انکلوزیوٹی کو. اس کامنٹ کو میں ریپیٹ نہیں کروں گی یہاں پہ. تو نمبرز ڈز ناٹ پلے اے رول کہ آپ 30, ٹھیک ہے ایک گروپ ہے دنیا کے اندر جو کہتا ہے کہ ایونچولی آپ 30% عورتوں کو لے کے آ جائیں, ایونچولی وہ ایک امپیکٹ ڈال دیتا ہے. وہ ایونچولی کے لیے کیا پاکستان رک سکتا ہے؟ جواب مانگیے, میں چھوڑ دیتی ہوں یہاں پہ. کیا ہمارا معاشرہ اس چیز کے لیے متحمل ہے؟ کیا ہماری وہ جو بھی پرسنٹیج آتا ہے انڈکٹ ہوتا ہے, وہ خواتین کس ذریعے سے آتی ہیں, اور کیا وہ تیار ہوتی ہیں کہ ان کا کیا پولیٹیکل رول ہوگا اندر آ کے؟ آر دے پریپیئرڈ فار دیٹ رول؟ کیا ایک اصطلاح ہے, ایک لفظ ہے ڈیپننگ آف ڈیموکریسی, ڈیموکریٹائزنگ ڈیموکریسی, پولیٹیکل اسپیس اپنے لیے وہ کاف کٹ پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی ہیں؟ تو یہ وہ سوال ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے اندر ہماری کردار جو خواتین نے کیا, ان لوگوں نے کہا, میں سلیوٹ کرتی ہوں اس انوائرمنٹ میں بھی جو خواتین کرتی ہیں. اور پری انڈیپینڈنس بھی ہماری عطیہ فیضی بیگم بھوپال, یہ بہت لمبی فہرست ہے, آج کی بھی خواتین جھک کے سلام کرنا چاہیے ان لوگوں کو. مگر بات یہ ہے کہ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں فیمنزم اینڈ ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ وہ نئی پبلک اسپیس ہم کیسے کریٹ کریں اس جمہوریت کے اندر, وہ جمہوریت جو کہ کمزور ہے, وہ جمہوریت جس کو جو آتا ہے وہ ایک دھکا مارتا ہے. تو جب مرد ہی ہل جاتے ہیں تو عورت تو ہماری پھر ریزرو سیٹ کے اندر آتی ہے نا, بہت کم ہے جو جنرل سیٹس کے اندر آتی ہیں. وہ کون سی نئی پاسبلٹیز ہیں جس کے لیے ہم وہ دروازے کھولیں کہ جس کی وجہ سے یہ عورت اپنا کردار فارمل پالیٹکس, نمبر ایک فارمل پالیٹکس, اپنا سوشل اور پولیٹیکل رول پلے کر سکے, اور نان ٹریڈیشنل طریقے سے اپنا سوشل اور پولیٹیکل کردار پلے کر سکے. دونوں طریقے سے میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں, ہو آر سٹنگ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ, ہم اپنا سوشل اور پولیٹیکل کردار پلے کر سکتے ہیں اور کر رہی ہیں عورتیں. 80 کی دہائی میں بھی کیا, 60 کی دہائی میں جب بیگم وہ محترمہ فاطمہ جنہ تھیں, ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جو کہ بعد میں 80 کی دہائی میں تھا. دیٹ واز ویری انفارچونیٹ, بٹ 80 کی دہائی کے اندر تو تھا. مگر ابھی ہمیں یہ بات کرنا چاہیے کہ آئی تھنک کین وی کریٹ نیو اسپیسز, مور اسپیسز. پولیٹیکل اسٹرکچرس تو ہیں,
مگر ہمیں نئی پولیٹیکل اسپیسز کافن کرنا ہے بیکاز سول سوسائٹی آپ کی تقویت پا رہی ہے, تو ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کریے جو اندر ہیں, جو اندر ہیں ان کو مزید مضبوط کریے. کیونکہ میں مجھے یہ پتہ ہے کہ 6 مہینے پہلے میں نے ایک آڈٹ کیا تھا فار دی UNDP آن دا جینڈر بجٹنگ, اینڈ آئی ورکڈ ود دا لیجسلیٹر سٹنگ ان دا فیڈرل وہاں پہ level, اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا. دس از ناٹ دا پلیٹ فارم ٹو اوپن اپ دا فائنڈنگس. تو مگر بات یہ ہے کہ واٹ کین وی ڈو, وہ ایک جب آپ پبلک اسٹرکچرس کے اندر وہ پہنچ جاتی ہیں, وہ اسپیس آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں, نیو پاسبلٹیز کو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. لیڈرس تو ہوتے ہیں مضبوط. آپ بات کر رہی ہیں جمہوریت کو مزید کیسے تقویت پہنچانا ہے. جمہوریت اس وقت تقویت نہیں پا سکتی ہے جب تک کہ آپ نمبرز سے آگے نہیں بڑھیں. آج تک یہ قوم صرف نمبرز میں اٹکے ہوئی ہے, عمران خان سے لے کے ہم تک اس پلیٹ فارم پہ بھی ابھی نمبرز پہ بات ہو رہی ہے. سو وی ہیو ٹو گو بیونڈ دا نمبرز. پہلے تو اسا یہ گال کندا اسی تے قانون اسا جی عورت کے سپورٹ نتا کن, پر ہانے تو ماشاءاللہ ورک پلیس ہیریسمنٹ جو اچے ہو بیا بھی اسا قانونی طور اسا کے آرڈیننسز اچے ویندا ہیں. قانونی طور بظاہر ڈاکومینٹس میں عورت کے سب حق حاصل ہیں, کمپلین کرے سکے تھی, سب کچھ کرے سکے تھی, پر یہ مسئلہ اتنے جا اتنے ہی ہیں. جی میڈم بھی گال کئی تو جن بھی تہاں ادارے میں ونو تھا کتنے بھی ونی, بھلے یونیورسٹیز ہوجن, بھلے اساں جا پولیٹیکل ادارہ ہوجن, پولیٹیکل پارٹیز کے اگر اسا ڈسوں, میں یونیورسٹی میں پڑھایا تھی جے کے پولیٹیکل ونگس اسٹوڈنٹس جا اساں وٹھن تا انہاں میں اساں کے چھوکرین جے لائے کا پولیٹیکل اسپیس ڈسن میں کون تھی اچے, تو کہڑی وجہ ہے تو قانون بھی ٹھہی ویا, اساں ہر پلیٹ فارم تے وہی گالائیوں بھی تھا, سوشل میڈیا تے وہی ہر مسئلے تے اساں کمنٹ بھی کیوں تھا, پر عام ماڑو جی جکا زندگی ہے ان میں عورتن جا وہ مسئلہ ہوتے ہی اساں کے ڈسن میں اچن تھا. ان تے تاں چھا رائے تھی تا ڈاکٹر صاحبہ گال کئی اسپیس جی مکھے تو لگے تو اج ایڈو ہی ایکڑے لحاظ کا اہم ٹاپک ہے, حالانکہ پاکستان میں پانچ سندھ میں فیمنزم جو کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ ڈبیٹ یہ طریقے سے کون تھی ہے. اٹس ہیلدی ڈبیٹ, آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ اٹ. اسپیس کی گال تھی تو اج اتنے بھی کہ مرد کے ایکڑو اسپیس ہونا کھپے, ایکڑو مرد بھی جی ڈسکشن میں ڈسکورس میں ہو جا آڈینس میں میجورٹی اساں جا بھائی رہی ہیں تا ڈاکٹر صاحب اچھو تو مرد واپس پہ وجن. ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہی ہوں کافی سارے نوجوان ہمارے جو میل پارٹیسپیشن ہے وہ واپس بھی لوٹ کر آ رہی ہے, دوسرے جو ہے سیشن سے فارغ ہو کر یہاں بھی آ رہے ہیں, اینڈ دے آر ٹیکنگ کین انٹرسٹ اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیئر پریزنس ہیئر. ڈاکٹر صاحب جگہ گال کئی ایکڑو تو مزاحمتی لحاظ کا ڈیموکریسی جی راہ کیا ہموار تھی, ہسٹری پڑھن کھپے, فقط ہسٹری جے کا پوسٹ پارٹیشن حالتوں وہ نہ ہے, ہسٹری انٹر کنیکٹڈ ہے, یہ چین ایکڑی جی چین ریئیکشنس تھا سب کانٹیننٹ کی پانچ ایکڑی ہسٹری ہے. اس دنیا سے ہاں تو گلوبل ولیج چون تھا جن میں کمپیوٹر لائٹ الائی بھیوں انیک شیوں جے پان کے جوڑے رکھن تھی اتنے ہی وی کمپٹیشن ودی ہے, جتنے مختلف پروفیشنس میں مختلف ملکن میں کمپٹیشن ودی ہے, اتنے جینڈر کمپٹیشن ودی ہے, اتنے عورتن جی پان میں کمپٹیشن ودی ہے. پر چھو تو پان فوکس کروں پہ ہر ڈیموکریسی کے حوالے سے, تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹس ہیں وہ تو ظاہری گال ہے, یہ ایوان اساں کے ظاہری گال ذمہ داری ان کی تھے تھی. مجھے یہ چوندے خوشی محسوس تھے تھی تو ٹھیک ہے ایکڑو ارتقائی ایکڑی شے ہے, جیکڈیں فوجی مداخلتوں بار بار ان 70 سالن میں نہ تھن ہاں تو الائی حوالے سے اسی انڈیا کا الائی اگتے ہو جوں ہاں, پر چھو تو امرتن کی تلوار اوے بھی وری انہیں ادارن میں جکے نج پج ایک سولن اتھارٹی جا ہوجن کھپے آ, تو اتے عورت ساتھ ہکڑی نہ بی نہ ملٹیپل ڈسکریمنیشن تھی وئی نا. ہاں جکڈیں کہ ریموٹ ایریا جی عورت ہوجے وہ وری ہندو کمیونٹی جی ہوجے, وری وہ لوور کاسٹ جی ہوجے, وری وہ متھا غریب ہوجے, متھا وری بیوس ہوجے, اکیلی ہوجے, تو ان لائے تے ڈسکریمنیشن ہکڑی نہ ہے. ہاں تو من وہ عورت پارلیمنٹ یا ان حوالے سے سوچے تو دیوانے جو خواب لگے تو ہو, پر ڈھو تو وکھوں اصا کھن اساں جی وہ عورت چاہے پری پارٹیشن یا پوسٹ پارٹیشن اگیں آپ کھڑی تھن تھا ونوں پان ان میں ان جو ایڈی ڈکھی اڑانگے سفر میں چاہے وہ جلسن جلوسن میں ان کی پارٹیسپیشن ہوجائے
जे का हिकड़ी औरत के हिकड़े जलसे में इहो रियलाइज़ करे उन में अचे थी, चाहे कालाबाग डैम जे ख़िलाफ़ उहो मशहूरु ज़माने मोहतरमा साहिबा जी अॻवाणी में लॻण धरणो हो, या वरी हिते ह्यूमन राइट्स जे हवाले सां, औरतुनि जे राइट्स जे हवाले सां, औरत हिकु हिकिड़ी बि जेका ग़रीब मिसकिन औरत जंहिंजी एॾी पहचान कोन्हे, उहा बि इहो रियलाइज़ करे थी त इहा इंसानी हक़नि जी ॻाल्हि पई थिए ऐं डेमोक्रेसी जी राह हमवार कंदी शइ, त इहा बि हिकिड़ी इलाही अहम पार्टिसिपेशन आहे। डॉक्टर साहिबु चयो त अददी शयूं हाणे शायदि मैटर कनि थियूं। हिकिड़े एक्सटेंट ताईं आउं उन सां आउं शायदि एग्री कयां, शी हैज़ रेज़्ड वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स आई वुड से। उन्हनि जा जवाब पॉलिटिकल पार्टी खे पॉलिटिकल खां हटी करे सिविल सोसाइटी में बि इलाही माण्हू न हींअर NGO बि अची वियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ शयूं अची वियूं आहिनि, ऐं उन सॼे तनाज़े में जेको वरी हेॾां ॻाल्हि अदी सोरट जेका आहे उहा पाण हिते वेठा आहियूं, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलेशन, ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग वुमेन राइट, वुमेन राइट जो उहो आहे त उनजी पार्टिसिपेशन रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट चऊं, डेमोक्रेसी चऊं, या उन हवाले सां जेका एमिनिस्ट्रेशन जेका आहे उन हवाले सां। हरेसमेंट वारी शइ छो त हिते रेस थी आहे, त उते जिते आउं सख़्तु मज़म्मत कयां थी, चाहे उहो तालीमी इदारनि में हुजे, चाहे उहा वर्किंग प्लेस ते हुजे, इन्हनि जेकॾहिं वाक़ई जेन्युइनली कोन में इन्वॉल्व आहे तदरीसी में, दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, मस्ट बी कंडेम्ड, मस्ट बी स्टॉप्ड इन ईच एंड एवरी वे। इहा हाणे सिंध ते ॿियूं सभु शयूं असां करे छॾियूं, दाग़ इहो ई रहियल हो हिकिड़ो। इहो सिंध पंहिंजी औरत खे स्पेस ॾींदी आहे, औरत जी लीडरशिप सिंध मां आई, महिराण जो पाणी पीतल मोहतरमा साहिबा ई हुई जेका एशियाई मुल्कनि जी जेका फस्ट ख़ातून, माना जिते जनरल सलाम कंदे जेको आहे आख़िर ताईं हुननि जो हथु तेड़ो कर कंदो मजबूरी में, त कोन आउं मिनिस्टर रही आहियां, मूंखे ख़बर आहे ब्यूरोक्रेसी में इलाही माण्हू अहिड़ा हूंदा हुआ जिनखे माना उन्हनि जी दिलि चवंदी हुई त असांजी मिनिस्टर हिकिड़ी ख़ातून कीअं असीं बर्दाश्त कयूं, ईअं एॾो ॾुखियो, माना 70 सालनि खां पोइ बि उनखे तव्हां चवंदा हुआ बाबा दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, यू आर सपोज़ टू डू दिस एंड दैट एज़ पर रूल्स, इवन एज़ पर रूल्स, उहा हिकिड़ी हेज़िटेशन आहे। ऐं उन में असीं डिमांड छा था कयूं, जेको असांजो ड्यू, असांजो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आहे, असीं चऊं पिया पॉलिसी मेकिंग में, डिसीशन मेकिंग में असांजी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, ऐं उन में असांजो सधारो आवाज़, ऐं उन में पॉलिटिकल पार्टीज़ बि काफ़ी कुझु कयो आहे, पर काफ़ी कुझु करण जी ज़रूरत आहे। जेका हींअर डॉक्टर साहिबा बि उहो ॻाल्हि कई त सो मेनी थिंग्स येट टू बी डन, हिकिड़ी इम्प्रूवमेंट जी इलाही घणो आहे ख़वातीन जे हवाले सां। सो ख़वातीन जे इशूज़ खे जेकर मर्द नथो सम्झे त औरत ई सम्झी उते लेजिस्लेशन, पर मूंखे इहो ॿुधाईंदे ख़ुशी महसूसु थिए थी त जीअं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबु आहियूं त हिकिड़ी औरत हुअण जे लिहाज़ खां इलाही औरतुनि हिकिड़ी उमेदु ॿधी, इलाही उमेदु वॾी, हाणे 2-2.5 साल हुन जूं हुकूमतूं हलणु कोन ॾिनियूं वयूं, पर उमेदु ॿधी त असांजी हक़नि जी ॻाल्हि कई वेंदी। उन्हनि औरतुनि में उमेदु ॿधी जेके इलाही सालनि तां बिना ॾोहनि जे रेलनि जेलनि में बिना सबब जे पंहिंजे माइटनि जे हथां बि जेको आहे उहे ॿधियूं वयूं ऐं उनजो केरु ॿुधण वारो सुनवाई। पोइ असां ॾिठो त फस्ट वुमेन पुलिस स्टेशन्स आया, फस्ट वुमेन बैंक आई, कोटा रखी वई, शुरूआति किथां त करणी हुई, किथां त करणी हुई, रुगो सियासी असांखे पार्टिसिपेशन न, असांखे इन्हनि सभिनी जेके सेक्टर्स आहिनि, बीट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट NGO हुजे, असांखे पार्टिसिपेशन खपे, पर असांखे जेकर 100% फुल अथॉरिटी वारी जेकर उहो मौक़ो, उहो मोड़, उहा पॉइंट न आई आहे, तॾहिं असांखे हिकिड़ी ॾिसण में अचणु जहिड़ी जेतिरी आबादी आहे ख़वातीन जी, जेको हाणे सेंसस में चवनि था न औरतूं हिते फलाणे एतिरियूं, आउं त न चवां थी सेंसस में इलाही सर्वे सिंध जा बि इलाही कंसर्न्स आहिनि, पर औरतुनि इलाही हंधनि ते शायदि काउंट ई कोन थियूं आहिनि ॿाहिरि में, रिमोट एरियाज़ में, रुॻो सिंध में न, ॿियनि इलाइक़नि में बि औरत जेका उहो थी सघे थो लिकी पई हुजे घर में ओॾी महिल, उन पाण खे काउंट ई न करायो हुजे, ऐं असांजे उन अमले जेको सो कॉल फेडरल गवर्नमेंट वन साइडिड बि करे उन औरत खे एॾो मान अहमियत ॾिनी कोन, जो उनखे हिकिड़ी यानी जिना चयो हो ऐं जिते अमल भुट्टे साहिबु करायो हो, ऐं जेका वुमेन जेका सफ्रेज मूवमेंट हुई तॾहिं जी ॻाल्हि हुई, वरी 60s में अची इवन अमेरिका में वोट कास्ट करण जी मिली हुई, पर पाण बि त चयो त वन मैन वन वोट, ऐं उन लाइ ज़रूरी आहे त वन वुमेन वन वोट हुजे, ऐं उन लाइ ज़रूरी आहे त पोइ जेके अथॉरिटीज़ आहिनि तव्हां जूं गवर्नमेंट जूं हुजनि, चाहे सेमी गवर्नमेंट हुजनि, चाहे पॉलिटिकल फोरम हुजनि, उते औरतुनि जी पार्टिसिपेशन फ़क़ति नाले मात्र न हुअणु खपे, उते औरत मर्दनि सां वेही फ़ैसिला करे ऐं उते चए त
हीअ मूंखे शइ वणे थी नाहे अक्सरत जो फ़ैसिलो हीअ आहे असांजा माण्हू हीअ चाहिनि था असांखे लेजिस्लेशन हीअ करणु खपे असांजे माण्हुनि खे हीअ शइ नथी वणे इन खे ख़ारिज करणु खपे हीअ शइ जेका आहे उहा सिस्टम खे अञा स्ट्रेंथन कंदी हीअ शइ असांखे इलाही कमज़ोर कंदी ऐं इहो तव्हांखे ॿुधायां त असांजी पार्टी हींअर मैनिफेस्टो कमेटी ठाही आहे इलाही इंप्रूवमेंट जी असांजी पार्टी में अञा ज़रूरत हूंदी पर असां उन में टे या चार ख़वातीन उन में खयूं असां मंशूर कमेटी में उहो मोहतरमा साहिबा जी ख़्वाहिश हुई ऐं पोइ हींअर जेके ख़वातीन ते थी आहे सिंध असेंबली में लेजिस्लेशन एस कंपेयर टू अदर थ्री प्रोविंशियल असेंबलीस डॉक्टर साहिब आई वुड एग्री विथ मी इफ़ आई से यू नो कि उन में तमामु ॾिसण जहिड़ी हवाले इम्प्लीमेंटेशन अञा दिस एंटायरली डिफरेंट थिंग ऑब्वियसली यू नो देर आर सो मेनी थिंग्स यू टू बी डन एज आई सेड अर्लियर एंड यू विल हैव टू ट्रैवल लेवल बेस्ट टू गेट दिस थिंग्स डन स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट यू नो फ्रॉम द लेजिस्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू उन में रुगो लेजिस्लेशन न आहे करणी उन में तव्हांजे तक जे ॿाराड़ी जो पराए कंहिं एरिया अपर सिंध जो या कंहिंजो जेको वॾेरे जो चमचो आहे जेको एस एच ओ जॾहिं उहो कंहिं बेगुनाह कारी थियलु औरत खे थुॾो हणी इहो चवणु बंदि कंदो त इहा हुई कारी इनखे एटॉप्सी बि न थिए हुनखे भले उथो तेसिताईं सिस्टम जेको आहे असीं न सम्झूं त लेजिस्लेशन अहम आहे लेजिस्लेशन अहम आहे लेजिस्लेशन रिज़ल्ट ओरिएंटेड तॾहिं थींदी उनखे रिफ्लेक्ट तॾहिं कंदासीं जॾहिं इन्हनि सभिनी अहवाननि खां वठी इन्हनि सभिनी ॿाराड़ी जे उन एस एच ओ जा दिमाग़ बि जेको आहे उहो दुरुस्त थींदा उन्हनि खे कानून खां डपु लॻंदो कीअं थींदा केरु कंदो असीं कंदासीं उहो ई सवाल हुयो त इम्प्लीमेंटेशन असां कीअं बहितर बनाए सघूं था जेका बि कानून साज़ी थिए थी असीं बि ॻाल्हि कई त अञा ताईं इहा ॻाल्हि मौजूदु आहे न सिर्फ़ु सियासत में पर तालीमी इदारनि में जिते बि कंहिं लीडरशिप वारी सीट ते का डायरेक्टर का चेयरपर्सन का डीन औरत थींदी आहे त उनखे ॾिसी ईअं ई जीअं ससी चयो न त बेनज़ीर साहिबा खे सलाम कंदे हेज़िटेशन थींदी ईअं ई थींदो आहे त यार औरत खे ठाहे छॾियो त नाणे लाइ इदारे जो छा थींदो त इहो इहो कीअं दुरुस्त थींदो इहो रवैयो कीअं दुरुस्त थींदो ऐं जेके कानून आहिनि उन्हनि जी इम्प्लीमेंटेशन असां कीअं वधाए सघूं था ॾाढी ज़बरदस्त तव्हां ॻाल्हि कई आहे ससी बि इन ते तफ़सील सां ॻाल्हायो ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि त तय आहे त औरत खां सवाइ को मुल्क को घर को शहर तरक़ी नथो करे सघे हिकु अधु आबादी आहे उन अधु आबादी खे तव्हां साइड ते करे या उनखे तव्हां तशद्दुद में रखे तव्हां कॾहिं बि तरक़ी नथा करे सघो हिकिड़ी उहा क़ौम जेका उनजी झोली में पलिजे थी हाणे उहा तशद्दुद ज़िद माउ उहा ॾिनल उहा हीसियल उहा बुखायल माउ कहिड़ी क़ौम खे जनम ॾींदी जेका हीसियल हुजे तव्हां उन्हनि क़ौमुनि खे तव्हां ख़तमु था कयो हिकु औरत खे तव्हां अहिड़े नमूने सां रखे तव्हां उन्हनि क़ौमुनि खे ख़तमु था कयो न इहो नुक़सानु औरत जो रुॻो न आहे इहो नुक़सानु मर्दनि जो बि आहे उहो क़ौम जो नुक़सानु आहे त इहो नुक़सानु तव्हां सभिनी जो कयो था तव्हां उनखे कॾहिं हाणे तव्हां चओ था असां जीअं चओ त असां औरतूं जॾहिं असेंबली में वेठा हूंदा आहियूं असेंबली जी ॻाल्हि हले थी तॾहिं असां हिन ते मुतफ़िक़ हूंदा आहियूं जॾहिं का लेजिस्लेशन थींदी आहे कानून साज़ी थींदी आहे त असां कारी कारो ते औरत जे तशद्दुद ते असां मुतफ़िक़ हूंदियूं हुयूं सभई पर ॻाल्हि त वरी बि इहा तव्हां वारी अचे थी त उन ते अमल केरु कराईंदो अमल तॾहिं थींदो तॾहिं थींदो जॾहिं इहे ई माण्हू उन वॾेरे खे उन सरदार खे जंहिंजे हथ में उहो एस एच ओ आहे जंहिंजे हथ में उहे थाणा आहिनि जंहिंजे हथ में इहे सभु वसीला आहिनि उनखे वोट ॾियणु बंदि कंदो छो ताक़तवर असां वटि उहो सरदार उहो असांजो वॾेरो आहे असां ई तेसिताईं असां कॾहिं बि अॻिते नथा वधी सघूं जॾहिं असां इहो माइंड सेट ख़तमु नथा कयूं असां इहो माइंड सेट ख़तमु कयूं त असां बहितरी आणे सघूं था ऐं उन आबादी खे असां पंहिंजी क़ौम खे तरक़ी वठाए सघूं था थैंक्यू इनशा उमेद त दुनिया काइम आहे सेशन जो वक़्तु थोरो घटि आहे असां कुझु सवालात शामिलु कंदासीं पंहिंजे सेशन में मैडम ससीपली जो सवालु आहे हिन जॻह सिलेक्ट असेंबली आहे पहिरीं पीपल्स पार्टी जेका प्रोविंशियल असेंबली में कराची जे भितनि ते नाला लिखियल आहे सिंध जी वहदत जे ख़िलाफ़ु उन में तव्हां सर्वे कयो सॼे कराची में एंड यू आर ओनली द वन इन सिंध असेंबली दैट हैड टेकन स्टैंड ओवर दैट वी एप्रिशिएट यूर स्टैंड सेकेंड स्टैंड जेको आहे त कोस्टल बेल्ट आहे उनखे समुझ खाए पियो उन ते तव्हां सेनेट में रेज़ोल्यूशन आंदी आहे उनजो स्टेटस पुछण थो चाहियां त स्टेटस छा आहे पहिरीं ॻाल्हि इहा त जॾहिं कैबिनेट मिनिस्टर हुअसि त उहा जेका चॉकिंग थी हुई उन ते रेज़ोल्यूशन आणणु मुंहिंजो
फर्ज़ हो किन माण्हुनि खे ॻाल्हि वणी कोन वणी, पर जेके सिंध असेंबली में कुझु रेज़ोल्यूशन्स हुयूं उहो मूं पंहिंजे हिकिड़े तव्हांखे हिकिड़ी शइ तव्हांखे लॻंदी आहे त तव्हां ते डायरेक्ट वार आहे ऐं सिंध खे विरिहाइण जी त ॻाल्हि बि केरु करे थो त असीं उनखे उहो उन माण्हू खे जेको आहे उहो हिसाब ॻाल्हि करण जो चुकतो करिणो पियो आहे ऐं अञा ॿियो बि केरु ईअं सम्झे रुगो नारे जे हिसाब सां करे थो कॉन्सिक्वेंसिस उनखे फेस करणा पवंदा। इहो असांजो राइट आहे एज़ अ लेजिस्लेटर त असीं हर उन शइ खे जेका असांजे वतन ते वार आहे उनखे असांजो पहिरियों फर्ज़ इहो आहे, पोइ असीं एॾा पर्क्स प्रिविलेज खणूं ऐं पंहिंजी ॻाल्हि न करियूं, पोइ इलाही माण्हू खे वणे न वणे असीं सां बदल कोन्हे, असीं पंहिंजी धरती सां कमिटमेंट आहे। जो सी इंट्रूजन जी ॻाल्हि हीअ थोरी अलॻि थी वेंदी, ऐं मुख़्तसरनि चवां त इहो जो नवाज़ शरीफ़ साहिबु हींअर ऐलान कयो छटे में साल अॻु में, ॿ साल अॻु में असां ई जेको आहे उहा अॻु में रेज़ोल्यूशन सेनेट में आऊं पास कराए चुकी आहियां जंहिंमें मुस्लिम लीग नून खां वोट करायोसीं, केटी बंदर ते बि हिकिड़ी रेज़ोल्यूशन आंदी हुई हुन ते वारी। असांजो इलाही अहम शइ आहे 2030 ते वरना कराची छटा और बदीन ये डूब जाएंगे। कल में बदीन में थी तो वहाँ भी यही डिस्कोर्स और डिबेट वाली बात चल रही थी कि भाई हमारी जो है ये बका की सवाल है हमारा, और उसके लिए कोई ऐसी जामे कोई होना चाहिए, कोई मेगा प्रोजेक्ट, फकत छोटे बड़े रोड नहीं लेकिन एक एक एम्बैकमेंट हो, एक जो है कोस्टल हाईवे या हो जैसे दूसरे ममालिक हमारे पड़ोसी हैं उसमें एक, ताकि सी इंट्रूजन हम रोक सकें, ताकि कराची ठट्टा बदीन ये डूबने से बचा सके। एक तरफ आरबीओडी एलबीओडी, दूसरी तरफ सी इंट्रूजन हमारे जैसे अजला कहाँ जाएंगे, हमारे तो पैरों से ज़मीन ही खिसकती हुई नज़र आती है, और ये अहम चीज़ है। बहरहाल उसकी स्टेटस ये तो, ये तो फेडरल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। सिंध हुकूमत ने, ताज हज़रत साहब ने उठकर मेरी रेजोल्यूशन पे कहा था कि 50% सिंध देगी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, 50% वफाक दे, लेकिन अभी आपने देखा अभी तक वफाक की बजट में मियाँ साहब के रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। नज़ीर सुमरो मुझे नालो अदी ससुए का, तो तहाँ रेफरेंस दिना 20-21 सदी की मोहतरमा बेनज़ीर जहा, नुसरत भुट्टो साहिबा जहा, बेन जहा, मार्टिन लूथर जहा दिना, पर जो दुनिया जो पहरियों फेमिनिस्ट शायर आ जैं एक भी शेर यो न चयो तो अदा अब्दुल लतीफ़ चे, जैं एक शेर न चयो तो वडेरा साई अब्दुल लतीफ़ चे, जैं चयो तो अदियों अब्दुल लतीफ़ चे, तां वो रेफरेंस न दिनो छा इन जे पोए तो असन जे ज़हनन में का एहसास कमतरी वेठल आ, असन जे ज़हनन में का एहसास कमतरी वेठल आ, जका असा गाल न था कयूं पंहिंजी एडी वडी माण्हू जी जेको पहिरियो फेमिनिस्ट शायर तां जी बिल्कुल गलत। हिकड़ो मिंट ॿियो सवाल करे वञा, पो ॿी हिकड़ी गाल त थे न थे फैज़ चवाणी जू न था, मैंने फ़क़त चाहा था यूं हो जाए, तव्हां असेंबलीअ में हिकिड़ी ॻाल्हि त कजो, गंदा रिकॉड त असां दुनिया जा सभु ठाहिया आहिनि, हिकिड़ो चङड़ो रिकॉड त दुनिया में ईअं थियणु घुरिजे त जेतिरो तनासुबु औरतुनि जो आहे सीटूं बि औरतुनि जूं ओतिरियूं हुजणु घुरिजनि, तव्हां ॻाल्हि त करे छॾियो थिए न थिए। अलाई इहा सुठी ॻाल्हि कई त बिल्कुलु शाह लतीफ़ भिटाई खे ख़वातीन जे हवाले सां, उन जे हक़नि जे हवाले सां, उहो पाण औरत थी रूह में, उहो पाण पंहिंजे औरत थी उन महसूसु कयो ससुई जे सूर खे, माउरी जी हबुल वतनी खे, सुहिणी खे, ॿियनि खे, उनजी मोहबत खे, तॾहिं ई उहो अखर अखर जेको उनजी लफ़्ज़ लफ़्ज़ में उहा असांखे ओतिरी स्ट्रेंथ मिले थी, जेको रियल असेंस आहे उनजी शायरी जो पाण था, जेका असली जेका उनजो शइ जेका माण्हू खे कहिड़े ॿोली वारो हुजे मैटर करे थी, ऐं ट्रांसलेशन बि थिए थी त हेठि मथे लफ़्ज़ थियनि था, पर पोइ बि लतीफ़ जी शायरी ट्रांसलेशन में बि अचे थी तॾहिं बसर करे थी। त फेमिनिज़म जे हवाले सां बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे, अदी सोरठ ऐं ज़िक्र कयो हिते, ऐं असां त पंहिंजे नाले शख़्सियत जे हवाले सां ई असीं हिकिड़े लिहाज़ खां पंहिंजे पाण खे फ़ख्र सां महसूसु कयूं था त असीं जेको आहे उहो लतीफ़ खे निमाईंदा क़ौम जा माण्हू आहियूं, ऐं बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे। ॿी जेका सीटुनि जे हवाले सां उहा ॻाल्हि कई, ॾिसो हीअ हिकिड़ी शुरूआति आहे ऐं उन में अञा रुगो खानापुरी जेका अददी लिहाज़ सां ॻाल्हि थी न, खानापुरी बि कोन असीं चवंदासीं। मुंहिंजी त ज़ाती ख़्वाहिश जेका आऊं ॿियनि हंधनि ते फोरम्स ते ऐं पंहिंजी पार्टी में रखण जी कंदी हूंदसि उहा इहा त या त जेंडर बैग्स जेको आहे ख़वातीन जूं निशस्तूं हुजनि औरत जे साम्हूं, त हर औरत खे मूंखे त खणी आऊं ख़ुशनसीब आहियां, मूंखे पंहिंजे माइटनि जी बि स्ट्रेंथ आहे, उन्हनि जी इनकरेजमेंट आहे, वसीला आहिनि त आऊं डायरेक्ट सीट ते टे दफ़ा जेको आहे इलेक्शन विड़ी आहियां, पर उन में ॿी का औरत ज़रूरी कोन्हे वसीला न हुजनि, पर उनजो दिमाग़ न हुजे, उनजो बि दिमाग़ थी सघे थो, विल थी सघे थी, पर उन लाइ बि जेका हींअर इलेक्शन रिफॉर्म्स आहिनि जेकर उन ते असीं 70% अमल कयूं ऐं औरतुनि जी जेका कोटा आहे डायरेक्ट सीट ते, उन में बि ईंदड़ इलेक्शन में ॾिसूं छा थो थिए, इन लाइ असां तव्हांखे गॾियल हिकिड़ी करणु खपे, त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में इहा शइ
या का नामुमकिन ना है, नामुमकिन ना है, ज़रूर रखना खपे गाली, बिल्कुल सही गाला था मानी। मुझे नालो मरियम है, यह जो डिबेट थे पे इधर डेमोक्रेसी या फेमिनिज्म के मथा, हि डाडी सुठी डिबेट है, ही डाडो सुठो पे लगे कि इन टॉपिक के मथा गालहाइन पया मानू। मगर सबन का मेन प्रॉब्लम यो है कि अगर माइंडसेट असानो चेंज कोन थो थे तो यह डिबेट पूरी यूजलेस है। अगर माइंडसेट ही मानू जो कोन है कि फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्ट करे तो माइंड के खुद फील कोन थो थे जी तवा जो कि बाहर जी माई हुआ वो अंदर पेंे पान के बंद कर बैठो अगर वो पान कुछ कोन चाहिए या मर्द उनके कोन करना चाहिंदा तो द होल कॉन्सेप्ट जो डिबेट करूँ पाई यूजलेस है। तो मुझे सवाल यो है कि गवर्नमेंट जिला इन माइंडसेट के चेंज करने लाइ प्रोसीजर है माना छा प्लान है। एजुकेशन असा खबर है कि उन औरतों के कौन भी मिले या उनके राइट्स कौन पे मिलन मगर वो माइंडसेट असा माइंड जो आई मर्दुन जो वो की चेंज थी का सवाल अच्छे वे तो माइंडसेट की चेंज उन में आ समझती सबनी के जवाब देन का मुख्तसर यो त ही जका एक्सरसाइज है जिते तमा जड़ी पढ़े लिखल बियो सुजान खवातीन न फकत खवातीन पर मर्द वेठाइन तरी तो मुझे स्टेज पे को एकड़ो मर्द होण खपया उन के पासे पूछो फेमिनिज्म के केड़े कॉन्टेक्स्ट में दिसन था तो ये जो माइंड सेट तरी थी दी थिंग्स लाइक दिस यू नो दे मस्ट बी डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन वो जाए माइंड में ताज माइंड शेयर कराए तो तवा का एकड़ो रिजिड माइंड सिंध जी बाराड़ी में को वेठो आ मां देख उठी भी कुआड़ी जबर जमीन अदे बदे जी शादी किथे बी शादी करनी आस करे तो उहा तरी थिंदी जरे असी हेड़ी शेन के असी स्पेस दींदासी गालाइंदासी गालाइंदासी लेजिस्लेशन ठली जेका है उहो हिकड़े साइंस सां या को ऑर्डर उन ते नथो करे सघे उहा माइंड सेट जेको आहे बार बार दैट मस्ट बी डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन थिंग्स शुड बी कंडेम्ड अगेन एंड अगेन गुड थिंग्स शुड बी अप्रिशिएटेड again and again so then that will find its own way ek baat yaad rakhein ke hamari jitni female parliamentarians hain unhone jitne table kiye hain uske andar aur jitni legislations ke andar kaam kiya hai wo mard hazrat ne nahi kiya hai to gradually wo jitna apna reinforce karengi apna role asar hote hote hota hai it's a process और प्रोसेस अपना टाइम हमेशा लेता है तो वी हैव टू पेशेंटली वेट फॉर इट डू नॉट थिंक के ओवरनाइट ये तब्दीली होगी। मेरा सिर्फ ये कहना था जब मैंने ये बात कही थी कि इट इज़ नॉट ओनली द नंबर्स तो मेरा ये कहना था कि यू हैव टू गिव अ फेयर चांस टू द वुमेन टू इवन कॉम्पीट। पोलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए हैं कि प्रोपोर्शनेटली जैसे PPP जो है वो कंपेरेटिवली इट इज़ फार बेटर देन द अदर पार्टीज़ कि वो एक फेयर नंबर में अपनी फीमेल मेंबर्स को हर ओहदों पे लेके आती है मगर दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी फीमेल मेंबर्स को वो इस नौयत से आगे नहीं लेके आती हैं तो फेयरली आप चांस दें फीमेल्स को लाके आगे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का तो ये तब्दीली लेके आएगी अपने आप में। तो ये प्रोसेस जो होता है वो अपना टाइम लेती है। हम क्या चाहते हैं हमारे माशरे के अंदर क्या होता है हम हर चीज़ में चाहे वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो या दूसरी चीज़ें हो हम प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं कि हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियली उसकी पेस को एक्सपेडाइट कर दें। जब आप ऐसा इनिशिएट करेंगे तो वो बैकफायर करता है और आप बीच में फटीक का एलिमेंट आता है आप थक के बैठ जाते हैं। यू शुड ऑलवेज हर चीज़ के लिए जब एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है उसके लिए आप शॉर्ट टर्म प्लान रखते हैं और मिड टर्म प्लान रखते हैं और लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। इसी तरह से होता है और याद रखिए जहाँ औरतों का मामला होता है और सोसाइटी का मामला होता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो रेवोल्यूशनरी कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आता है उसमें रेजिस्टेंस हमेशा कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है तो लिहाजा कलेक्टिव एफर्ट भी ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा सवालन के लिए इतना हाथ आई थे एकलो बयो सेशन थी सके तो ताजे सवालन पे एकलो आखरी सवाल शामिल करना सी मैडम ने सबसे पहले जो सवाल है तो टीवी ड्रामन में जिते किथे औरतन के हकन की गाल कई वे थी बहराड़न के औरतन से जुलम है पर शहर की औरतू वरी मर्दन जुलम थी कन
हाँ ईद रात ब्यूटी वी हजार ब्यूटी पार्लर से वनो ईद थी कुंवर ला पंजा हजार सवाल के होता मर्द, मर्द जो मजलूम ठीक है तो औरतन के मर्दन जी रिक्वायरमेंट से इनकम के रस्सी के इसी के पांच हजार आई गॉट योर पॉइंट लेट मी आंसर माइक क्या ले छियो गाल हले पे फेमिनिज्म एंड डेमोक्रेसी जी त एक आम औरत जी एम्पावरमेंट जी गाल पे हले पर जदे असा दिसो ता त असेंबली में जते लेजिस्लेशन थिए थी औरतन जी हवाले सा या कई हवाले सा उते खुद नुमाइंदा इलेक्टेड वुमेन इलेक्टेड पार्लियामेंटन खुद प्रोसिक्यूटेड थी वन थियो ऐं उते खुद असां ॾिसूं था त जेका औरत आहे उन जी लॉयलिटी जेका आहे बजाए औरत सां हुजण जे उन जी पार्टी सां रहे थी कंहिं तरीक़े सां उन्हनि खे कंडेम नथो कयो वञे जेको कुझु महीननि खां असेंबली में हिकु ॿ टे दफ़ा वाक़िया थिया पर जंहिंमें मैडम ख़ुदि जेका आहिनि सो उन्हनि जे नाज़िब अल्फाज़ ॻाल्हाया विया पर रूलिंग पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ औरत ख़ुदि बजाए औरतनि जे फेवर में ॻाल्हाईंदे उन्हनि जी लॉयल्टी पार्टी सां रही जंहिंमें तव्हांजी ख़ुदि पार्टी जूं जेके पार्लियामेंटरी हुयो उन ते तव्हां छा था ॻाल्हायो शीरीन मज़ारी ते को अटैक थिए थो पी टी आई जी त आवाज़ केरु थी उथारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी भेण बीहे थी हुननि सां त हुननि जी ॻाल्हि ॿुधणी न त मर्द मेंबर्स खे बि हू नथा ॿुधणु ॾियनि मुस्लिम लीग नून वारा ॻाल्हाइण ई कोन था ॾियनि करे करे माइक बंदि हूंदा आहिनि ऐं जेका ख़वातीन जे हवाले सां लेजिस्लेशन थी आहे चाहे अपर हाउस हुजे या क़ौमी असेंबली हुजे या सिंध असेंबली हुजे उहा औरतुनि पीपल्स पार्टी जी औरतुनि उहा लेजिस्लेशन कई आहे पर उन में आऊं शाबाश ॾियां थी आऊं अदी सोरठ ऐं ॿियनि जणनि ते जहिड़ियुनि भेणनि खे उन्हनि जी उन भेणनि बि जेको आहे सपोर्ट कई आहे त तंहिं करे रुगो वन साइडिड स्टोरी खे न ॾिसजे इन में ईअं जेका चङी शइ इहा आहे त रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी एफिलेशन उन में औरतूं मिड़ी मुठ बि थियनि थियूं तॾहिं त ही कारोकारी वारो सुगरा अवाम वारो बिल हो जीअं मुंहिंजो ओगरा जो बिल पास थियो अञा क़ौमी असेंबली में पियो आहे अञा खॼे कोन थो हितां पास कराए चुका आहियूं तॾहिं उहो बिल काफ़ी अरसे खां पोइ नेठि फरतल बाबर साहब वरी आंदो हिकिड़ी औरत जो आंदल बिल हो पीपल्स पार्टी पर तव्हां ॾिठो त उहो बिल नेठि असां पास करायोसीं मुस्लिम लीग नून जी मजबूरी हुई इंटरनेशनल प्रेशर्स उन्हनि ते हुआ पहिरीं उन्हनि खे खणंदा न उहो बिल तंहिंजे करे लेजिस्लेशन में औरतूं गॾु आहिनि अञा बि गॾु थियणु खपनि पार्टी लाइन जे हवाले सां को मसिलो औरतुनि ते थिए थो गॾु थियणु खपे पर लेजिस्लेशन जे हवाले सां आउं सम्झां थी त जेसिताईं ह्यूमन राइट औरतुनि जा हक़ ह्यूमन राइट आहिनि उन्हनि में बिल्कुलु साथ ॾियणु खपे या पॉज़िटिव जेका आहे शइ आहे इन ते एक्सरसाइज़ थिए पई पर जेतिरी मेच्योरिटी वधीक ईंदी जेतिरो अव्हांजो ज़हन खुलियलु हूंदो जेतिरो तव्हांजी पढ़ाई तालीम हूंदी तव्हांजी कंट्रीब्यूशन हूंदो पॉलिटिकल वे में तव्हां ॾबा ज़हन थी मर्द हुजे औरत हुजे उछलो खानापुरी लाइ आदती लिहाज़ कया वेंदा लेजिस्लेशन खे कोन सम्झंदा तव्हां पार्टी पॉलिसी खे कोन सम्झंदा तव्हां रुगो हे हे हो हो करे अवी हलिया वेंदा त तव्हां पंहिंजो कमु कोन पिया कयो तव्हांखे उते ख़ासि करे ख़वातीन जे हवाले सां जेका लेजिस्लेशन थिए थी या का ॻाल्हि थिए थी बिल्कुलु सही आहे उते गॾु थियणु खपे उन में पीपल्स पार्टी जो इलाही पॉज़िटिव रोल रहियो आहे तमामु सेनेट में ई जेको बिल पिठायो आहे की तमामु जेको चारो सूबनि जी जेको क़ौमी ज़बानूं आहिनि हुनखे क़ौमी हैसियत ॾींहं में अचे हू सेनेट में तव्हांजी पार्टी सां ऑपोज़िशन जी जेको पार्टी आहे तव्हां ख़वातीन जेको हिन हवाले से कहिड़ो कमु थियो आहे अॼु तक की हू पार्लीमेंट में क़ौमी ज़बाननि जो मसिलो आहे असां हिकु क़ौम आहियूं पंजाब हिकु क़ौम आहे सराइकी हिकु क़ौम आहे बलोच हिकु क़ौम आहे मगर असांजी क़ौमी ज़बाननि जे हवाले से तव्हां सेनेट में बि बिल पास थियो आहे बिल पास कोन थियो सेनेट में बिल आयो आहे त छा मसिलो आहे की हिननि जो छा रुकावट पई सवाल थोरो अणलाॻापियल थी वेंदो हिन सॼी बहस खां मुख़्तसर इहो आहे त इहो बिल 70 सालनि में असां स्टैंडिंग कमेटी में पास करायो आहे पर कुझु धुरियूं ख़ुशि न आहिनि मुस्लिम लीग हुन में जेको आहे रोड़ा अटकाए पई पर उहो फ्रोज़न स्टेटस में आहे हू डिॼी विया आहिनि ख़ुदि त हीअ पास कीअं थी वियो यूनिवर्सली त हाणे उहो न छेड़े था सघनि असां फौरन ख़त लिखी छॾियो आहे त 70 सालनि में हिकिड़ी शइ स्टैंडिंग कमेटी में निकिती आहे ऐं उनमें अव्हां जूं सभिनी जूं कंट्रीब्यूशन आहे मीडिया जो वॾो रोल आहे सभिनी जो पर इनशाला इनशाला इनखे असीं विञाइण कोन ॾींदासीं इन लाइ लॉबिंग जी ज़रूरत आहे इहो फ्रोज़न स्टेटस मां कढी असीं ॿियनि वांगुरु पास कंदासीं थैंक्यू अस्सलाम वालेकुम दी मुझो टिनी पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन है छो जो असा डिस्कस क्यों था फेमिनिज्म एंड डेमोक्रेसी जडे असा फेमिनिज्म एंड डेमोक्रेसी डिस्कस क्यों था तो उन में असा के रीसेंट डेज में एक बड़ी थियो असा डिठो से सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर एंड टंडो जाम यूनिवर्सिटी के अंदर जो केसिस आया तो असि न्याणियों के भेनरुन के हरासमेंट की जी पूरी अज अखबार में भी आया कल भी आया उन अग में भी आया उन बाबत तुम जो लेजिस्लेचर इतने सेटिंग आयो तो उन
इन मामले के कौमी सूबाई ए सैनेट में इनके खणदौ इन तो टिनी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन आटिकलीकन चाहे यूनिवर्सिटी की इंसामिया के हवा से होजन सिंध गवर्नमेंट की वजह से सिंध गवर्नमेंट उन बिल्कुल उनको नोटिस वरतो है यूनिवर्सिटी के वीसी साहब के जो खबर है वो पा पढ़ लिखल बाशोर फैमिली से ताल्लुक रखन था पर सिंध में अड़ो ठप्पो न लगन खपे खवातीन की हरासमेंट चाहे वर्क प्लेस में हुए चाहे तालीमी इदारों में हुए उन पा सभी के जहाद करो पव उन कारीन रिजन के हटाण पव उन खिलाफ पूरा एक्शन खड़ो पव सभी की जिम्मेदारी है। थैंक यू। अना भी सवाल तो कदम भी खत्म को पर सेशन जो जो वक्त है वो खत्म थे मेहमान के भी पहुँचो आ असांजी हमेशा का ईमान आ जमहूरियत ते असांजी उम्मीद भी आई है तो जमहूरी निज़ाम में तमाम समाजी इदारा तालीमी इदारा बशमूल उनमें औरतन की नुमाइंदगी उन्हें जो कंट्रीब्यूशन जो है वो एक सेहतमंद तरीके से अग्न वधंदो रहंदो इन्हीं नज़रिए के तहत असां अज के सेशन की डिबेट रखी हुई तो असांजे सिंध में खास तौर से असांजे तालीमी इदारन में सियासी इदारन में औरतन के जो मसला है उन्हें असां कड़े तरीके से पंजे कानून के तहत पार्लियामेंट के तहत हल कर सकूँ पाया तीन की वही महरबानी मुझे मौजूद मेहमान की तया तरीक थे लख तो।